अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल ठीक है। अभी हम बस रिटर्न घर जा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए थे कदीर को चेकअप कराने के लिए, डॉक्टर ने बुलाया था। तो चलिए मैं आपसे घर जाने के बाद मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ ये सूट टेलर को देने के लिए, क्योंकि मैंने ये सूट बहुत दिन से रखा हुआ था कि ये मुझे ही सिलाना है। ये है कॉटन में बट मुझे पसंद था, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ था कि ये मैं ही सिलाऊंगी। पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है इसका, आप जैसे देख रहे हो, और इसका टॉप ऐसे पिंक और वाइट में है, और जो इसका बॉटम है वो क्रीम ऑफ वाइट टाइप में है। दिखा रही हूँ मैं अभी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ये निकाल के रखी हूँ कि बस आज जाके दे दूँगी। 1 वीक से हो रहा है, कल जाना है आज जाना है देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कहीं जाने का प्लान भी बन रहा है। तो अगर वहाँ चले गए या फिर वहाँ जाने के लिए निकल गए तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड, मुझे ये पार्सल आया है आयशा बुटीक की तरफ से, ये आज ही रिसीव हुआ है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। सो आयशा बुटीक की तरफ से मुझे ये बहुत ही प्यारा सा सूट आया है, जो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका जो मटेरियल है ना, वो मसलिन सिल्क में है, तो ये मुझे इसकी सबसे अच्छी खास बात लगी कि आप इसको जब कैरी करोगे तो ये इतना लाइट वेट है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने कुछ हैवी कैरी किया हुआ है। और ये सच में बहुत अच्छा है, इसका टॉप भी बहुत अच्छा था, इसका जो बॉटम है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। आप इसकी चुन्नी देखो, वो कितनी ज़्यादा प्यारी है, छोटे छोटे से लटकन लगे हुए हैं उसमें। सो थैंक यू आयशा बुटीक प्यारा सा सूट के लिए। और अगर आपको इस टाइप का सूट चाहिए या आपको मसलिन सिल्क में सूट चाहिए, इनके पास और भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, आप इनके पेज में जाए और वहाँ से ले। सो थैंक यू सो मच। और बस अब मैं यहाँ पे आ गई थी। अफशा का एग्ज़ाम चल रहा है जैसे आप सबको पता है, तो मुझे उसकी भी ड्यूटी देखनी पड़ती है कि अब नेक्स्ट क्या करवाना है। तो वो एग्ज़ाम देकर के आ चुकी है, वो 12:30 तक आ चुकी रहती है। तो उसने मुझे अपी कहा कि अपी क्वेश्चन कॉपी कर दो, ये वाला करना है क्वेश्चन कॉपी, अब तुमने अपना सारा काम कर लिया, अब चलो मेरा काम करो। तो बस मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, अपना चाय, मुझे चाय पीने का मन कर रहा था और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई थी। और फिर दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं थोड़ी देर को सो गई थी। यहाँ मम्मी हलवा बना रहे हैं सूजी का हलवा तो मैं नहीं खाती, बट हाँ मैंने लास्ट में ऐसा थोड़ा सा क्लिप ले लिया था छोटा मोटा सा। और अंकल भी आए हुए हैं, जैसा आप सबको पता है कि अंकल का 2 दिन का स्टे था, उनकी मीटिंग है यहाँ पे, तो वो सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं तो वो इवनिंग में ही आ पाते हैं। और यहाँ मैं और अंकल आ गए हैं कदीर के लिए ट्रेन लेने, क्योंकि उसे वो शाम से बोलता है ट्रेन तो नहीं बोल पाता, वो टेन कर रहा था, तो उसे ट्रेन चाहिए था। वो उसको कार से भी ज़्यादा उसको ट्रेन पसंद आता है। तो कहाँ मिलेगा अंकल वैसा, अगर ट्रेन ही चाहिए? ट्रेन इस सेट का पहला वाला आगे में जो है ना, हाँ, पहला बुलेट ट्रेन 2 पीस रहता है उसमें। अच्छा, लेकिन बड़ा रहता है पहला। अंकल जान ये गोल गोल घूम रहे हैं, पता। मेरे को पेन देना कोई अच्छा। देखिए बहुत बढ़िया है ये ना, ऐसे तो बहुत है मेरे अगर आपको पसंद। हमने काफ़ी सारी शॉप देख ली और फाइनली अब हम इस शॉप में आए हैं। तो यहाँ पे तो हमें पसंद आया है एक, कि हम ये छोटा वाला लेंगे जो ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है कि वो नॉर्मली अपना यूज़ कर सके, और एक हम ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह ना वो जो मतलब बड़े बच्चों का मिल रहा था, जैसे बहुत कुछ ज्वाइन करना हो वैसा वाला चाहिए था, तो फिर वैसा वाला क्या ही फ़ायदा था लेकर के, बच्चे के लिए लेना था। तो देखो आप कदीर ट्रेन देख के कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया कि वो पूरा बिजी हो गया उसी में। और अभी कदीर माशाल्लाह से बहुत सही है, तो हमारा ऐसे ही सामने थोड़ा इधर उधर जाने का कहीं प्लान बन गया। मतलब अंकल को जैकेट लेना है, क्योंकि अंकल अपना स्वेटर भूल करके आ गए हैं रायपुर में, तो इस वजह से अंकल सोचा कि अभी उनको यहाँ से आगे और ट्रिप करना है, तो अंकल सोचा कि चलो यहाँ से एक ले लेता हूँ जो मतलब ऐसे ही नॉर्मली रहेगा, नॉर्मल है।
तो बस वो मैं, अंकल फैसल और शेबी आंटी आ गए हैं। और कार में ही आना था तो कदीर रो रहा था, तो हम कदीर को भी लेकर के आ गए कि अंदर तो हवा नहीं आएगी, तो चलो इसे भी लेके चलते हैं। तो बस हम चारों आ गए हैं और यहाँ पे सेबी आंटी कदीर को लेके बैठी है। कदीर शोना मामा, आप सब कदीर के लिए दुआ करिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है और ये बिल्कुल हमारे घर की जान है, तो आप सब कदीर के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो बस उसे भी हम लेकर के आ गए हैं कि वो भी थोड़ा ऐसे बाहर जाएगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कार में ही है तो हवा लगने का या ऐसे कोल्ड एंड कफ का तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर देखते हैं और कहाँ जाना है। अंकल को ही जैकेट लेना था तो अंकल बस गए हैं, तो लेकर के आ जाएंगे। अंकल और फैसल गए हैं तो हम लोग जस्ट कार में वेट कर रहे हैं। अब अगर कहीं जाए, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है कहीं जाने का, थोड़ा बस ऐसे ही चाय वाय पीना है और बस उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि अफशा है नहीं साथ में, उसका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, फर्स्ट डे है उसका एग्ज़ाम का, वो भी फाइनल एग्ज़ाम है और मैथ्स है, तो वो तो अभी ट्यूशन गई हुई थी। तो हम बस ऐसे थोड़ा देर के लिए आ गए हैं, तो चलिए। और अब हम चाय पीने आ गए हैं और ये वाले भैया की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुल्हड़ में चाय देते हैं एकदम बहुत अच्छे से, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल पका करके। आप देखो उन्होंने कुल्हड़ कितने अच्छे से सजा के रखा हुआ है। और इनकी जो शॉप है उसका नाम पता है क्या है? कालिया चाय। तो आप वहाँ पे जाओगे तो बड़ा सा ऐसे बैनर टाइप का लगा हुआ है, तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा एकदम गरम गरम बहुत टेस्टी सी चाय होती है इनकी, एकदम अदरक वदरक इलायची इलायची डाल करके बनाते हैं। आप कुल्हड़ देखोगे उन्होंने कितने अच्छे से सजाया है बाबा में। और बस हम यहाँ पर चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं फिर। तो चलिए मैं भी अब अपनी चाय इन्जॉय करती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। कैमरा क्वालिटी सही है कि नहीं? पता नहीं, टेस्ट करके बताएगी। अंकल बर्थडे में जो पार्सल आने वाला था आया नहीं। भाई वाला और यहाँ हमारे मोमोज भी आ गए हैं, जिसको बनने में बहुत 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 टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था ये। हाँ, हमने मोमोज तंदूरी मोमोज ऑर्डर किया था, कुरकुरे मोमोज ऑर्डर किया था, बट भैया ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया कि बस मत ही पूछो, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया भैया ने। तो हमने यहाँ से मोमोज खाया और बस हम यहाँ पर अफशा के लिए पैक कराएंगे। और जस्ट बगल वाले शॉप में भैया की बिक्री नहीं हो रही थी तो हमने वहाँ से भी ले लिया, तो वो बेचारे बहुत देर से ऐसे खड़े हुए थे। आ गया छोड़ के, ऐसा भी कुछ बनवा ले यार, पार्सल करवा। अरे खा लेंगे भैया, कि पीस में परवाल सर करवा लेंगे। नहीं तो बस आज की वीडियो यही थी और सॉरी मैं काफ़ी दिन में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने जैसे आपसे कहा कि कदीर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम सब उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो बस आप सब अपनी दुआओं में कदीर को याद रखिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए बिल्कुल। और बस मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।